सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्रोकली की सब्जी कैसे बनती है। इसके लिए जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं। इसके लिए हमें चाहिए थोड़े से कटे हुए प्याज, एक कटोरी मटर, थोड़ा सा कटा हुआ अदरक, लहसुन। इसके बाद हमें चाहिए ब्रोकली जो मैंने पहले ही काट के रख ली है। उसके बाद आलू और थोड़ी सी हरी मिर्च। इसके लिए हमें चाहिए 2 टेबलस्पून ऑयल, रिफाइंड ऑयल या मस्टर्ड ऑयल भी डाल सकते हो एज रिक्वायरमेंट। जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी जीरा। जीरे को अच्छी तरह भून लेना पहले। जीरा हमारा अच्छी तरह भून चुका है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा गार्लिक जो हमने काट के रखा हुआ था पहले ही। इसके साथ ही जिंजर, और इन दोनों को तब तक भूनना जब तक ये पूरी तरह ब्राउन नहीं हो जाते। अच्छी तरह ब्राउन कर लेने हैं, उसके बाद ही हम इसमें प्याज डालेंगे। और दोनों को भूनने में 4 से 5 मिनट तक का टाइम लगता है। अदरक और लहसुन अच्छी तरह भून चुके हैं, ब्राउन हो चुके हैं। इसके बाद मैं डालूंगी इसमें प्याज, इसको भी आपने अच्छी तरह भून लेना और इससे अच्छी खुशबू भी आने लगेगी। इसको हिलाते रहना ताकि प्याज, अदरक और लहसुन नीचे ना लग जाए। आप चाहे तो इसकी जो फ्लेम है वो लो भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब धीरे धीरे जो प्याज है वो तेल छोड़ने लग गया, तो इसका मतलब है कि प्याज जो है वो धीरे धीरे भुनना शुरू हो चुका है। तो इसको 2-3 मिनट तक हम और भूनेंगे ताकि अच्छी तरह से प्याज जो है हल्का ब्राउन हो जाए। आप देख सकते हो कि अब प्याज जो है, अदरक लहसुन अच्छी तरह भून चुका है। तो इसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाले। सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हल्दी, नमक आप टेस्ट के अनुसार डाल सकते हो, लाल मिर्ची पाउडर वो भी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। अगर तीखा खाते हो तो थोड़ी सी ज़्यादा आप डाल सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादा तीखा नहीं खाती इसलिए मैं लाल मिर्च थोड़ी सी डाल रही हूँ। इसके साथ ही आप डाल सकते हैं इसमें गरम मसाला। गरम मसाला मैंने 1/2 चम्मच डाला है। अब आप देख रहे हो कि जो प्याज है उसने ऑयल पूरी तरह से छोड़ दिया, इसका मतलब है कि हमारा जो मसाला है पूरी तरह रेडी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी मटर। मटर को थोड़ा सा पहले फ्राई कर लेना। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसे 1 से 2 मिनट तक पकाऊंगी। इसके बाद हम कटी हुई ब्रोकली इसमें डाल देंगे, कटे हुए आलू, और इनको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। आप देख रहे हो कि कितना अच्छा कलर आया ब्रोकली का। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है इसको।
ताकि जो पूरा मसाला है वो ब्रोकली में चला जाए। फ्लेम आपने लो ही रखनी है क्योंकि ये धीरे धीरे बनेगी और इसका टेस्ट भी अलग से आएगा अगर हम धीरे धीरे बनाएंगे तो हाथ थोड़ा सा चलाते रहना ऐसे ताकि जो हमारी सब्जी है वो फ्राई में ना लगे। अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि जो सब्जी है वो फ्राई के नीचे लग गई है तो थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हो। और पानी डालने के बाद आप इसको प्लेट के साथ ढक दो और 5 to 10 मिनट्स तक ढक के उसके बाद आप इसको देख सकते हो कि बनिया कि नहीं। अगर इसमें फिर भी लगता है कि आपको 2 मिनट तक और पकाने की ज़रूरत है तो आप इसको, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जितनी आपको ज़रूरत है थोड़ा सा पानी डाल दें और इसके बाद आप इसको कवर कर दें। अब आप इसको प्लेट के साथ कवर कर सकते हैं और 4 to 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। अब 5 to 7 मिनट हो चुके हैं हमारी सब्जी को बनते हुए, तो इसे चेक कर लें पहले। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और जो हमने पानी डाला था वो भी अब इसमें सूख चुका है, तो हम अब देख लेंगे कि जो पोटैटो हैं आलू हैं वो हमारे गले हैं कि नहीं। अभी 2 to 4 मिनट और लगेंगे तो हम ऐसे करते हैं कि इसे फिर 2 to 4 मिनट तक कवर करके पका लेंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे प्लेट के साथ। अब 2 to 4 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। अब 2 to 4 मिनट हो चुके हैं, हमारी जो सब्जी है बिल्कुल रेडी है। इसे गार्निश करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें कोरिएंडर धनिया डाल देंगे। अच्छी लग रही है हमारी सब्जी, ब्रोकली की सब्जी बन चुकी है। अब हमारी ब्रोकली बनके रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे एक बाउल में डाल दूंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप भी घर पे ट्राई करना और आप खुद भी खाना और दूसरों को भी खिलाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड देन सब्सक्राइब इट।